टेस्टी बहुत ही ऑसम यार। मतलब अगर वेजिटेरियन है ना आप तो ये फ्राइज जरूर ट्राई करना यहाँ पे। पहली बार मेरे को कोई चीज पसंद नहीं है। बाकी सब ट्राई कर लिया, हमें दिल्ली वाला टेस्ट कहीं नहीं मिला। बिल्कुल दिल्ली वाले हैं, ठीक है, बट नथिंग लाइक दिल्ली। वो नागपाल वाला टेस्ट नहीं, सीरियसली पता नहीं इसको कैसे, देखो कड़क हो चुका है, पता नहीं तुमने कैसे फीडबैक दिया भाई। थोड़ा सा मैं जज्बाती हो जाता हूँ छोले भटूरे के मामले में। प्लीज, फर्स्ट टाइम मम्मी को डाउनटाउन टोरंटो लेके आए हैं और आज हम सबसे फेमस जो बोलते हैं कि छोले भटूरे मिलते हैं टोरंटो जीटीए में, वो हम ट्राई करने वाले हैं। पहला एक्सपीरियंस है डाउनटाउन टोरंटो का, तो हैरान हो गया इतना, मतलब डिफरेंट है ना ये का, बहुत सारी चीजें आपको खाने पीने की मिलती है। तो एक चिकास चिकन करके भी है, वो भी बहुत पॉपुलर है, उसको भी ट्राई करते हैं। फिर चलते हैं जिराड स्ट्रीट, जहाँ पे बहुत खाने पीने का सामान है, वो भी बहुत पॉपुलर स्ट्रीट है, एंड वहाँ का सबसे फेमस छोले भटूरे ट्राई करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि वो छोले भटूरे का टेस्ट दिल्ली वाला है कि नहीं। वो ही एक छोले भटूरे वाली जगह रह गई है जो हमने जीटीए में ट्राई नहीं करी थी, बाकी सब ट्राई कर लिया, हमें दिल्ली वाला टेस्ट कहीं नहीं मिला। चलो लेट्स होप सो कि आज ट्राई करते मिल जाएंगे। कैसा लग रहा है डाउनटाउन की सड़कों पे घूम के? बहुत दिनों बाद आके बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये चिकास चिकन की ना सेकंड लोकेशन है, फर्स्ट वाली बंद हो गई है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बट आइटम तो सब सेम ही होने चाहिए, टेस्ट भी सेम होना चाहिए। थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ गया बट मिल गया, ट्राई करते हैं। चिक्का चिक्का। और अच्छी बात यह है कि हमें कैजुअल फ्राइज भी मिल गई, मनप्रीत ने वहाँ पे देख लिया, तो ये वेजिटेरियन लोगों के लिए, वो भी वॉफल कैजुअल फ्राई मिल गई है भाई, उसके लिए क्या चाहिए, ये तो आप ही टेस्ट करोगे, ये तो वेजिटेरियन वाले टेस्ट करके बताएंगे। बताइए, बढ़िया लग रही है देखने में भाई, बहुत टेस्टी है ना, टेस्ट भी, फ्लेवर इतना अच्छा है ना। अच्छा, उसने मसाला डाला था, मसाला डाला ऊपर। हाँ, तो ये तो आप एंजॉय करें, हम अपना डब्बा खोल के, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है फ्राइड चिकन सैंडविच, और किसी किसी जगह पे अच्छा मिलता है। यूनियन चिकन का मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ से जब हम गो ट्रेन पकड़ते थे मैं ट्राई किया था, बहुत अच्छा उनका। ये वाला ट्राई करते हैं, और जब सैंडविच बोलते हैं ना, कई देते हैं बन में और कई देते हैं ब्रेड में, तो इन्होंने ब्रेड में दिया, बट डजंट मैटर, अंदर का जो मटेरियल होना चाहिए वो बढ़िया होना चाहिए, और मुझे लग रहा है बढ़िया। सो बिना केचप के ट्राई करते हैं। कैसे? बहुत बढ़िया भाई, फ्राइज तो मैं फैन हो गई, बहुत टेस्टी है। बहुत बढ़िया, इट्स एज गुड एज यूनियन चिकन वाला बर्गर। डाउनटाउन टोरंटो में जब भी आओ चिक्का जरूर ट्राई करना, पेड प्रमोशन नहीं है, हम जहाँ भी जाते हैं हम फ्री में ही प्रमोट करते हैं, सो दैट आपको एक्चुअल रिव्यू पता चले। अभी छोले भटूरे भी खाने जाएंगे, इतनी जगह बची है, बहुत बढ़िया। फ्राइज भी मम्मी को भी पसंद आ गई, बढ़िया जाली वाले। तो ये फ्राइज और इनका ओजी चिकन सैंडविच जरूर ट्राई करना, और चिकन तो आप भी ट्राई कर सकते हो, ये सैंडविच ट्राई कर सकते हो। वाह, क्या फ्राइज है, है ना, टेस्टी, बहुत ही ऑसम यार। मतलब अगर वेजिटेरियन है ना आप तो ये फ्राइज जरूर ट्राई करना यहाँ पे, सुभान अल्लाह। मींस क्रिस्पी है एकदम, क्रिस्पी है, और मतलब अच्छे से पकी हुई है, फ्रेश है, और मसाला भी बहुत, मतलब इंडियन जगह पे जाओ तब मसाला डालते ना इन्होंने, ज्यादा इतना बढ़िया, मेरे सामने फ्राई किया उसमें, मजा आया। कैसे लगे आपको, फ्लेवर आ रहा है प्रॉपर इंडिया वाला? पहली बार मेरे को कोई चीज पसंद पसंद नहीं है। वो भी डाउनटाउन टोरंटो में आ गए, सीरियसली। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब हम चल रहे हैं जिराड स्ट्रीट, और जिराड स्ट्रीट का हमारे से कुछ रिलेशन ऐसे है कि जब भी हम वहाँ जाते हैं भूखे ही आते हैं, क्योंकि मे बी हम बहुत ज्यादा लेट जाते हैं, सब कुछ बंद हो चुका है, जो कि आज हम नहीं करेंगे। मोती महल बंद हो रहा है 10 बजे, हम पहुंचेंगे 9:15, तो जल्दी चलते हैं, टेस्ट तो करना ही है, मतलब पता लगाना है कि वो सबसे बेस्ट छोले भटूरे जीटी के हैं कि नहीं। सो जब भी हम जिराड स्ट्रीट जाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है हमारे साथ, कांड ऐसा होता है कि हम नहीं पहुंच पाते। अभी फिर हमने चिका से जा रहे थे टूवर्ड्स जिराड स्ट्रीट, एंड यहाँ पे कोई आगे बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई, एंड पीपल आर मूविंग बैक, वापस जा रहे हैं यहाँ से कार्स बैक करके। सो आई डोंट थिंक कि आज हमें छोले भटूरे मिलने वाले हैं। सो बहुत लोग हमें मिलते हैं और कहते हैं कि आपके साथ हमेशा ऐसे होता है कि आप टोरंटो डाउनटाउन जब भी आते हो, जिराड स्ट्रीट आते हो, खाने को नहीं मिलता। मेरे को लग रहा है वो प्रथा हमारी कंटिन्यू होने वाली है, हमें नहीं मिलने वाला आज भी, बट लेट्स होप कि हम पहुंच पाए। सो रोड क्लोज था, वहां पे पुलिस खड़ी थी, उन्होंने हमें वापस भेज दिया वहां से। यहां से देखते हैं कोई अल्टरनेट रूट बनता है, बट आई एम श्योर कि वो लंबा पड़ेगा रूट जो भी होगा। तो पहुंच गए हैं, 9:25 हो रहे हैं, होप मिल जाए छोले भटूरे।
देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, खा के टेस्ट पता चलेगा। तो छोले भटूरे की तलाश में जिसने जहां बोला GTA में, हमने वहां जाके छोले भटूरे खाए हैं। अभी तक हमें एग्जैक्ट दिल्ली वाले छोले भटूरे नहीं मिले। एक जगह जरूर बची थी जहां के हमने नहीं खाए थे, वो थी मोती महल। तो आज पता चल जाएगा, हम तीनों रेटिंग देंगे दिल्ली वाले छोले भटूरे। मैंने सबसे ज्यादा खाए हुए हैं, मनप्रीत को भी पसंद है, मम्मी ने भी खाए हुए हैं। तो एग्जैक्ट अनबायस फ्री प्रमोशन, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, अनस्पॉन्सर्ड। सही बताऊं, देखने में तो बिल्कुल लग रहे हैं कि बहुत अच्छे होने वाले हैं। ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हैं, बाद में तुम वीडियो बंद होता है तो कुछ और बोल। ना 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 ना, ऑनेस्ट मुझे कौन सा पेड प्रमोशन है मेरी। टेक योर टाइम, 5 में से रेटिंग देनी है आपको, भटूरा भी बताना है और आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है आपको। चाहे एक और बाइट ले लो, एक और ले रही हूं मैं, लेकिन एग्जैक्ट बताना है आपको। यू विल कंपेयर इट विद सीताराम एंड नागपुर। भाई फ्रैंकली बिल्कुल दिल्ली वाले हैं। क्या बात कर रहे हो, छोले हरमीत को पसंद आए हैं, बिल्कुल छोले भटूरे दिल्ली वाले हैं। एक चीज की कमी है जो आंवले का अचार है वो नहीं है, उसके अलावा भाई टेस्ट बिल्कुल वही है। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट बहुत टेस्टी है, मतलब मजा आ गया। हरमीत का भी रिव्यू लेते हैं। चलो अब आप बताओ, मतलब छोले तो भाई मजा आ गया। जेल रोड पे कौन सा फेमस है छोले भटूरे वाला? रजौरी, रजौरी गार्डन के वहाँ पे राम, श्री राम के राम, राम 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 के छोले भटूरे। कैसे बताओ, एक और टेस्ट कर लो, एक और ले लो, ठंडे हो रहे हैं, ले लो ले लो। कोई देखो, खाने तो बार बार आते रहेंगे, रिव्यू ये पहला रिव्यू बहुत जरूरी है। ठीक है, बट नथिंग लाइक दैट। मेरे हिसाब से आउट ऑफ 5 कितने? 3। आपने आउट ऑफ 5 कितना रेट किया आपने? देखो मैं कनाडा के हिसाब से कर रही हूँ, और मैं ऑब्वियसली कनाडा के हिसाब से नहीं करना, दिल्ली के हिसाब से करना। 4 out of 5। नाउ द फाइनल वर्डिक्ट, जो एग्जैक्ट आपको बताएगा टेक्सचर वाइज भी। तो भटूरे का जो है टेक्सचर, इट्स लाइक पूरी पूरी वाला एक होता है और एक होता है मोटा वाला जिसके अंदर पनीर और वो सब होता है। तो ये मोटा वाला नहीं है, थोड़ा सा पूरी सेल में। एंड जो छोले हैं वो परात वाले जो है ना, काले वाले, वो नहीं है, बट टेक्सचर सेम है, छोटे वाले चने बट है काले वाले। अच्छी बात ये कि गाजर का अचार है, प्याज है, चटनी वैसे ऐसे गंदे स्टाइल से, कोई अलग अलग उसमें नहीं है, एक ही में डाल के दी है, तो वो पूरा दिल्ली वाला फील आ रही है। छोले आपके इधर आ रहे हैं एग्जैक्टली, वो एक दूसरे मिक्स हो रहे हैं, और आलू दिया हुआ बेस्ट। सो ऑफकोर्स हम थोड़े से आलू लगाएंगे। यार परात वाले काले अगर छोले ना भी हुए, और अगर टेस्ट छोले वाला हुआ, दिल्ली वाला छोले का टेस्ट, तो फिर तो हमारी तलाश खत्म हो जाएगी, तलाश खत्म हो जाएगी भाई। सीरियसली रोज ही हर हफ्ते हम यहीं आएंगे। बताइए, मुझे दूसरी बाइट लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कैसे है। भटूरे को मैं दूंगा 3.5 out of 5, बिकॉज 2 मिनट के अंदर ये पूरी और कड़क हो चुके हैं, बिल्कुल पूरी वाले हैं। छोले अगर आपने बुद्ध बाजार में छोले खाए ना, बिल्कुल एग्जैक्ट बुद्ध बाजार में छोले का टेस्ट है, वो भी स्वाद होते हैं, बट वो कहीं भी नागपाल के स्टैंड नहीं करते, कहीं भी सीताराम के स्टैंड नहीं करते। ये बिल्कुल सेम जो बुद्ध बाजार में मिलते हैं छोले, उसका थोड़ा सा बेटर वर्जन है। सो 3.5 out of 5 मैं दूंगा इसको। ओवरऑल अगर आप चटनी और प्याज बिल्कुल स्टाइल आलू वगैरह ये मान के चलो, तो 4 out of 5, वेरी क्लोज, बट स्टिल वो नागपाल वाला टेस्ट नहीं, नागपाल वाला टेस्ट नहीं है। मनप्रीत को भूख लगी है शायद, उसको इसलिए सवाल लग रहा है ना, हमने तो हमने वहाँ पे खाया नहीं, इसने गलत फीडबैक दिया है। सीरियसली पता नहीं इसको कैसे, ये देखो कड़क हो चुका है, ये ऐसे कभी भी नागपाल का भटूरा ऐसे नहीं होता कभी। एक्चुअली नागपाल के जो भटूरे होते हैं उसमें पनीर डाला होता है, इसमें पनीर नहीं है, लेयर होती है, पनीर की लेयर है। मैं पनीर की बात ही नहीं कर रहा हूं भाई, इतना पतला भटूरा, इतना पतला ये पूरी है। बट टेस्ट जितना हमने खाया उन सब में, मेरे को तो अच्छा लगा सबसे। तुमने बुद्ध बाजार का छोले भटूरे खाए? दिस इज बुद्ध बाजार के छोले भटूरे का टेस्ट भाई, भटूरे होते हैं ना, दिस इज नॉट नागपुर, देख नहीं रहे आप? मैंने दिल्ली वाले बोले हैं। तो दिल्ली वाले तो भाई सड़क पे भी मिलते हैं, साइकिल लगा के भी खाते हैं, तुम नागपाल से कंपेयर करोगे ना उसको बेस्ट वाले से, मतलब उसके क्लोज है। पता नहीं तुमने कैसे फीडबैक दिया भाई, पता नहीं इसको भूख लगी सही में, वही गलत दिया। बट हम कभी भी खाने पीने के मामले में हम इनजस्टिस नहीं कर सकते, आप खुद आके ट्राई करो फिर आप बताना। जो एक्चुअली जिसने नागपाल और सीताराम के खाए हुए हैं, तो मेरी तरफ से तो 4 out of 5 है, कोई नहीं, मनप्रीत तो इसको 5 दे रही थी। नहीं 4 दिए मैंने भी, बट तुम एग्जैक्ट बता रहे हो यार, तुमने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ की है। ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, मतलब ये तो अनफेयर हो जाएगा कि तुम इसको नागपाल से कंपेयर अगर कर दो। तो तुमने नागपाल को बोल दिया वो बहुत क्लोज है, ये एग्जैक्टली वो है भी नहीं है, छोटे वाले छोले हैं।
बट टेस्ट मेरे को काफी क्लोज लगा। मैं तो देखते ही बता दिया था नागपुर वाले छोले नहीं है। थोड़ा सा मैं जज्बाती हो जाता हूँ छोले भटूरे के मामले में, प्लीज बुरा मत मानना, बट मनप्रीत का फीडबैक मनप्रीत का है, आप आके यहाँ पे ट्राई करो। जिसने नागपाल और बेस्ट जो दिल्ली के छोले भटूरे खाए हुए, मम्मी ने सही फीडबैक दिया, मुझे लगा कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं, बट जब मैंने खाए तो एक तो दिल्ली के जो होते हैं वो एकदम ऐसे नहीं होते, वो थोड़े व्हाइटिश में होते हैं, मतलब थोड़ा मैदा होता है ज्यादा, ये तो मतलब मोटा होता है, पूरी बड़ी बड़ी। हाँ तो ठीक है भाइयों और बहनों, फाइनली हम आ पाए, हमें मिल गए एटलीस्ट, वही बहुत है। अमन भी को भूख लगी है, फटाफट इसे खिलाता हूँ, नहीं तो इसको 10/5 रेटिंग दे देगी। और आके आप प्लीज कमेंट में बताना, जिसने दिल्ली वाले खाए हुए और जिसने मोती महल के खाए हैं, आप क्या रेट करोगे इसको, कितना क्लोज है। सो कुछ लोग भी बैठे हुए हैं जो दिल्ली से, उनसे एग्जैक्ट पूछ लेते हो कि उनको ये वाले छोले भटूरे दिल्ली के टेस्ट वाले लगे कि नहीं लगे, उनसे पूछते हैं। ये भाई पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, ये अपने दोस्तों को लेके आए हैं कि दिल्ली के आप ट्राई करो। मैं सबसे क्विकली रेटिंग पूछूंगा और ये पूछूंगा कि दिल्ली में आपने सबसे बेस्ट कहाँ पे खाया, सबसे बेस्ट आपने दिल्ली में कहाँ पे। दिल्ली में तो राधे श्याम है, राधे श्याम का छोले भटूरे। और अगर आप उससे कंपेयर करके इसको रेट करोगे तो 5 कितना करोगे? मैं इसको 10/5 दूंगा, उसको 10/8 दूंगा। ठीक है, आप वहाँ पे बेस्ट कहाँ पे खाया आपने? राधे श्याम है, नागपाल है, यानीज है, इसको से कंपेयर करूँगा तो 6 या 5 आउट ऑफ 10। हमने ओम जी से खाए थे ओके, तो उसके कंपेरेटिवली 5 ही है, 8 और 9 ही। और मैंने ना इनको बोला कि इनको समझ नहीं आ रहा था किस टाइप का टेस्ट है, तो मैंने बताया बिल्कुल बुध बाजार वाला टेस्ट है। फिर बिल्कुल वही वाला टेस्ट है जो 20 रुपए में 2 देते हैं, और ये बिल्कुल सेम छोले। हमारी सर्च कब खत्म होगी? ये यहाँ पे तो नहीं मिल सकता हमें कुछ भी, इंडिया जैसा चाहे मोमोज हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, हमें नागपाल से ही वो लेके आना पड़ेगा। मैं तो नागपाल से कंपेयर कर रहा हूँ ना, आपका तो घर वहाँ भी था, मेरा कॉलेज होता था, तो अगर नागपाल के भी अच्छे हैं बुध बाजार के भी अच्छे हैं, बट ये नागपाल वो खाना मिलता है सब अच्छा है, चाहे कहीं पे भी चले हो वो ऐसा नहीं मिल सकता। तो वही डिपेंड करता है, 100 रुपये तो नागपाल के अच्छे हैं, 30 है तो 30 के या फिर 2 प्लेट खा लो वाले। चलो यार थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द फीडबैक, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू। थैंक यू। और यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन बहुत सारी शॉप है, छोले भटूरे खाने के बाद पान भी ट्राई करेंगे दिल्ली वाला। कैसा लगा पान? हाँ बताए पान कैसा लगा, दिल्ली वाला है? दिल्ली वाला नहीं है, बबलू पान जनकपुरी याद आया? अरे ये है कि पान के पत्ते का स्वाद है बस, वो फ्रेश है। हाँ तो यहाँ पे जिराट स्वीट है, यहाँ पे आपको इंडियन पाकिस्तानी बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, शुगर केन गन्ने का रस मिल जाएगा जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, भुट्टा वगैरह मिल जाएगा। तो जो भी फेस्टिवल्स होते हैं पाकिस्तानी इंडियन, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है उस टाइम पे ना, दिवाली भी ऐसे हम आए थे। हाँ तो आज का हो गया हमारा, आई होप जिराट स्ट्रीट। सो आना और कमेंट करके बताना अगर पहले आ चुके हो, अगर बाद में वीडियो देख के आओगे तो बताना मोती महल के छोले भटूरे दिल्ली वाले हैं कि नहीं।